नमस्कार, मैं हूं सुनिधि। स्वागत है आपका अपने चैनल द फुल वॉल्यूम में। आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम का जीके सेक्शन। क्वेश्चन नंबर वन, किस बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इन्फिनाइट इंडिया शुरू किया है? ऑप्शंस ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी आईसीआईसीआई बैंक। सही उत्तर है डी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इन्फिनाइट इंडिया शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारत में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का समर्थन करना है। यह बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे व्यवसाय इकाई, लाइसेंस और पंजीकरण, कॉर्पोरेट फाइलिंग, एचआर सेवाएं, अनुपालन, कराधान आदि की पेशकश करेगा। आईसीआईसीआई बैंक का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय निगमों खंड में अपनी स्थिति मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर टू, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शंस ए यस बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, डी केनरा बैंक। सही उत्तर है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की दो तिमाहियों में न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त का उल्लंघन करने के कारण कोल्हापुर के सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक जिस तरीके से काम कर रहा था उससे मौजूदा और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंच सकता था। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था? ऑप्शंस ए मौना लोआ, बी कीला उआ, सी मौना किया, डी कोहाला। सही उत्तर है बी कीला उआ। हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित कीला उआ ज्वालामुखी फूट पड़ा है। यह ज्वालामुखी हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क में स्थित है। इससे पहले इस ज्वालामुखी में साल 2018 में विस्फोट हुआ था। कीला उआ उन पांच ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय है जो हवाई द्वीप को बनाते हैं। माउंट कीला उआ ने हाल ही में कालडेरा का गठन किया है जो एक ज्वालामुखी के बाद बनाई गई एक खोखली संरचना है जो थोड़े समय के अंतराल में मैग्मा के बड़े संस्करणों को नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर फोर, अब्दुल रहीम खान ए खाना 1556 टू 1627 अपने समय के क्या थे? ऑप्शंस ए मंत्री, बी कवि, सी लेखक, डी जादूगर। सही उत्तर है बी कवि। अब्दुल रहीम खान ए खाना एक कवि थे जो मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भारत में रहते थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से रहीम के नाम से जाना जाता था। वह अकबर के भरोसेमंद संरक्षक बेगम खान के पुत्र थे। वह अपने दरबार के नौ महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक थे जिन्हें नवरत्नों के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर फाइव, सेहत योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है डी जम्मू और कश्मीर। पीएम नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए सोशल एडवेयर फॉर हेल्थ एंड ट्रेडिंग मेडिसिन योजना का उद्घाटन करेंगे। यह जम्मू और कश्मीर के निवासियों को 5,00,000 रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के लिए मुफ्त कैशलेस उपचार प्रदान करेगा। योजना के लाभार्थियों को एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर में ब्लू व्हेल की एक नई आबादी की मौजूदगी दर्ज की है? ऑप्शंस ए अरब सागर, बी पूर्वी हिंद महासागर, सी पश्चिमी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। सही उत्तर है सी पश्चिमी हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न में से किसने घोषणा की कि FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने स्की जंप का सफल प्रदर्शन किया है? ऑप्शंस ए वायुसेना, बी स्पेस, सी बोइंग, डी थल सेना। सही उत्तर है सी बोइंग। क्वेश्चन नंबर एट, ग्रामीण उजाला योजना के तहत केंद्र सरकार कितने रुपए में लोगों को LED बल्ब उपलब्ध कराएगी? ऑप्शंस ए 1 रुपए, बी 50 रुपए, सी 10 रुपए, डी 5 रुपए। सही उत्तर है सी 10 रुपए। क्वेश्चन नंबर नाइन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 23 दिसंबर, बी 24 दिसंबर, सी 26 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। सही उत्तर है बी 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10, पुडुचेरी के नए DGP का नाम बताइए। ऑप्शंस ए रविंद्र घोषला, बी आर नागपाल, सी रणवीर सिंह कृष्णा, डी
राधा मोहन रेड्डी। सही उत्तर है सी, रणवीर सिंह कृष्णा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।